Assalamualaikum students, welcome to my channel Make Education Easy. Students, today our topic is conditions of equilibrium. आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी conditions हैं जब वो maintain हो रही हो तो हमारे पास एक reaction जो होता है हम उसे कहते हैं कि वो reaction हमारे पास equilibrium state में exist कर रहा है. इसके हमारे पास three main जो हैं वो पॉइंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे. उनको डिस्कस करने से पहले हम इनकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि एक रिएक्शन को हम कब कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम रीच हो गया या उसने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया. ठीक है, उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास प्योर रिएक्टेंट होने चाहिए, कि रिएक्टेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो प्योर हो. सिमिलरली जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो भी हमारे पास प्योर प्रोडक्ट हो, सकते प्योर रिएक्टेंट होंगे जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो भी प्योर होंगे, या हमारे पास जो है वो मिक्सचर हो. किस चीज का मिक्सचर हो? मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो है हमारे पास वो मिक्सचर हो जाए. ठीक है, और ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कब हो रहे हों और कहाँ पे हो रहे हों, ये तीनों कंडीशंस हमारे पास फुलफिल हो रही हों इन क्लोज कंटेनर. ये सारा प्रोसेस हमारे पास एक क्लोज कंटेनर में एग्जिस्ट कर रहा हो तभी हम कहेंगे कि ये रिएक्शन हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है. और ये जो हमारे पास इस इनमें से कोई भी अगर हमारे पास केस हो रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये होगा कि हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है फिर दोबारा से जो प्रोडक्ट रिएक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं रिवर्स जा रहा है. फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट सेम रेट, वो जो है हमारे पास सेम रेट पर हो रहे हो, यानी उनका रेट चेंज नहीं हो रहा हो. जितने टाइम में प्रोडक्ट रिएक्टर में कन्वर्ट हुए हैं, अगेन जब रिएक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट जब दोबारा रिएक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनका रेट सेम हो, यानी सेम टाइम पे ये दोनों हमारे पास प्रोसेस हो रहे हो. अब इसके लिए कौन सी कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो तीन कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हों तो हमारे पास हम कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है. सबसे पहली कंडीशन ये है कि कंसंट्रेशन जो है हमारे पास प्रोडक्ट की भी और रिएक्टेंट की भी वो चेंज होगी. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ रिएक्टेंट की, ना ही रिएक्टेंट की और ना ही प्रोडक्ट की, दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास चेंज नहीं होगी. कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सही पता है जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तभी वो दोनों सेम रेट पे एग्जिस्ट करेंगे. अगर कंसंट्रेशन चेंज हो गई तब तो टाइम में भी डिफरेंस आएगा. ठीक है, जब कंसंट्रेशन सेम है तो वो सेम रेट पे अपना रिएक्शन करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज चेंज. सेकेंड जो कंडीशन है हमारे पास जिसको हम देख के कहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, वो ये है कि टेम्परेचर जो होगा उस सिस्टम का, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम वो हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट होगा. टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर हमारे पास जो सिस्टम का होगा वो होगा कॉन्स्टेंट. सिमिलरली यानी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट से क्या मुराद है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. एक टेम्परेचर जब आपने रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और एक टेम्परेचर हमने उस रिएक्शन को दे दिया है तो रिएक्शन की कंप्लीशन तक वो टेम्परेचर हमारे पास सेम ही रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा. सिमिलरली हमारे पास जो प्रेशर है और हमारे पास जो वॉल्यूम है इनका भी यही सीन है कि ये भी सिस्टम के जो है कॉन्स्टेंट रहेंगे. प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये भी हमारे पास चेंज नहीं होंगे. लेकिन सीधी सी बात है, जब हमने एक रिएक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है, तो जब हमने उसकी कंसंट्रेशन जो ली है वही ली है, जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में है वही है, जब हम उनको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो रेट भी चेंज नहीं होगा. सही बात है, जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो वो सेम रेट पे अपना रिएक्शन करेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जब सेम रेट पे होंगे इसका मतलब हमारे पास वो सिस्टम, वो रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये थे हमारे पास आज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अलविदा.